अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, नई मालूमात के साथ, नई बात के साथ आज आपके साथ हाज़र हैं। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक डेज़र्ट का सीन है जो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड हम आज भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये जो आपके सामने इस वक्त आपको जड़ी बूटी नज़र आ रही है, ये घास ख़ानदान से है और इसको लुम्ब घास से तशबीह देते हैं। दोस्तों, ये पौधा दरअसल सहरा के लिहाज से फिटेस्ट तरीन पौधा इसको समझा जाता है। अगर हम इसके पौधे के बूर को चेक करें तो दोस्तों, इसमें आपको नज़र आएगा कि हाउ द नेचर हैज़ कोडेड द स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स दैट आर मोस्ट सुटेबल रिगार्डिंग द डेजर्ट और ड्राई कंडीशंस ऑन दिस डेजर्ट। दोस्तों, ये जो है ग्राउंड दरअसल एक टिब्बा है, डेजर्ट है, जहाँ पर ये घास जो है ना वो उगती है। तो आज मैंने सोचा इसके मतलब भी आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, घास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ये जड़ी बूटी ओस के ज़रिए, जो रात को ओस पड़ती है उसके कतरों को और सुबह जो शबनम पड़ती है उसके कतरों को, दोस्तों इस ये जड़ी बूटी सक करके अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करती है कि जो है ना ये अपने बढ़ोतरी को जारी रख सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नौ की कितनी इकसाम की जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी जो वीड हमारी सहरा की है, दूसरे नंबर पर जो आती है वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको कहते हैं सलाई बूटी की मुशाबत रखने वाली, इसको लाना बूटी कहते हैं। दोस्तों, ये इसके लीव्स हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, और दोस्तों लीव्स जो हैं बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मैच बॉक्स की स्टिक हो, आग लगाने वाली तीली हो। तो दोस्तों, ये कुदरत ने इसको स्पेशलाइज्ड किया है। नैरो लीव्स जो है वो तने की मानंद बन चुके हैं और इन्हीं तनों के ज़रिए ही ये फोटोसिंथेटिक करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करती है और फोटोसिंथेटिक के अमल के ज़रिए दोस्तों ये अपनी बढ़ोतरी जारी रखती है। ये भी एक बुझ की शक्ल में ही इख्तियार करती है। इसकी जड़ें डीप रूटेड होती हैं, जस्ट लाइक द जो है हमारी पहले वाली जो है जड़ी बूटी उसकी तरह से। दोस्तों, ये भी एक, और अगर इसके लीव्स को आप मैं दिखाऊँ तो दैट आर कम्प्लीटली सिमिलर, हैविंग द नॉक शेप, हैविंग द नॉक शेप्ड एंड वेरी वेरी स्मॉल लीव्स दैट आर जस्ट लाइक इक्वल टू द राइस कर्नल, चावल के दाने के बराबर इसका पत्ता होता है, सब्ज रंग का पत्ता। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी किस्म होगी। यहाँ पर आपको इस किस्म की जड़ी बूटियों की भी बड़ी बहुतात नज़र आएगी। तो दोस्तों, कलरेशन के अतबार से ये दो तरह की हैं, एक जो है वो पीले रंग की है अगर आप देख सकते हैं, और एक सब्ज कलर की है। बोथ हैविंग द सेम क्वालिटीज, सेम करेक्टरिस्टिक्स, बट आर वेल फेमिलराइज विद द डेजर्ट कंडीशन। तीसरी जो जो हमारी जड़ी बूटी है दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं ये भी दोस्तों सूटेबल है और अडेप्टेड है टूवर्ड्स द ड्राई कंडीशन, लेकिन दोस्तों ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, अडेप्टबिलिटी इसकी बड़ी कम है। ये आप देख सकते हैं खुश्क हो चुकी है, इसको हम बखड़ा बोलते हैं। ये सीजनल है, एक सीज़न के अंदर उगेगा उसके बाद इसकी फ्रूटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त इसके ये जो इसके फ्रूट्स हैं, फ्रूटिंग बॉडी हैं, वो जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इसके साथ, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ को भी कांटा इसका चुभ गया। तो ये इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, यू कैन नोट हियर, यहाँ पे कितनी जो है ना वो तादाद के अंदर जो है दोस्तों, ये बखड़ा जिसको बोलते हैं कांटेदार एक वीड है, दैट इज़ आल्सो स्टेब्लिश टूवर्ड्स द सैंडी कंडीशन एंड ड्राई कंडीशन। तो दोस्तों, ये तो तीसरे नंबर पे थी वीड। आज की हमारी चौथे नंबर पे आने वाली डेजर्ट की जो वीड है वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ दोदक। दोस्तों, डेजर्ट दोदक जो है ये आप देख सकते हैं कितनी जो है वो शानदार तरीके से नैरो लीव्स, पिंकिश इन कलर और अडेप्टेड टूवर्ड्स द ड्राई कंडीशन। तो दोस्तों, ये हमारी आज की चौथी वीड थी जो अपने आप को ढाले हुए है और इस डेजर्ट के मुताबिक। और आज की हम दोस्तों पांचवी वीड की बात करें तो हज़ारदानी, ये आप देख सकते हैं दोस्तों हज़ारदानी जो है बिल्कुल बारीक पत्ते और इस बारीक पत्तों वाली जो है, और हज़ारदानी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके लीव्स जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, एक स्टिक के ऊपर दोस्तों हज़ारों की शक्ल में लीव्स होते हैं, जिसके ऐसे इसको हज़ारदानी भी बोलते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये तो हमारी थी
अगली नेक्स्ट वीड। तो दोस्तों ये जो सिनेरियो है यहाँ पे मैंने आज आपको मुख्तसर सी वीडियो में 5 वीड्स के मतलब जो है आपको थोड़ा सा बयान किया। दोस्तों देयर आर प्लेंटी ऑफ वीड्स दैट कैन बी डिस्क्राइब वन बाय वन दैट हैज़ बिन अडॉप्टेड टूवर्ड्स द डेजर्ट कंडीशन, जो सहरा के मतलब जो है अपनी इख्तियार कर चुकी है। तो अब आप पूछेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों चाहे आपका ताल्लुक ज़रात से है चाहे नहीं है, लेकिन आपको इतना नौहा होना चाहिए कि सहरा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर या टिब्बों के अंदर या टीलों के अंदर जो है वो कौन कौन सी किस किस तरह की जड़ी बूटियां जो है ना वो पाई जाती हैं। दोस्तों पटाखे ज़्यादा चल रहे हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करूँगा, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट मालूम के साथ फिर मिलेंगे और मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी निस्बात तीर जितने भी हम अंकल मेरे पैसे पैसे ओए कौन से पैसे है? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या सही नहीं कर रहे हैं? जा जाके अपने बाप को बुला। एक सहारा नाम में बाप है नाम लगाएगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौला ना मुहम्मदिन।